लाहौर में स्मॉग और आलूदगी की जलगार बरकरार। भारतीय स्मॉग से फजा धुंधी और जहरीली हो गई, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, शरा 280 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत भी मजीद गिर गया 25 डिग्री पर आख्या। ग्रीन लॉकडाउन में शटल सर्विस मुतारिफ करवा दी गई, शाम 8 बजे के बाद बारबेक्यू और चिमची पर पाबंदी आई। स्मॉग ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। पंजाब में आज से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद, फैसले का इतलाक 9 नवंबर तक रहेगा। प्राइमरी स्कूल्स दोबारा 11 नवंबर बरोज फिर से खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग बढ़ने पर बाकी स्कूल बंद करने पर भी गौर, अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मॉग और आलूदगी के खिलाफ महकमा माहौलियात का बड़ा इकदाम, हैवी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। जुम्मा और इतवार को लाहौर में हैवी व्हीकल्स को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तरक्याती कामों का मॉनिटरिंग तेज कर दी, डेंगी टीमें भी तमीराती मकामात की चेकिंग करेंगी। नीलम रोड पाइन एवेन्यू ता फिरोजपुर रोड मंसूबा एलडीए का नए स्ट्रक्चर प्लान के लिए लैंड एक्विजिशन पॉलिसी का ऐलान। मसावी कमर्शियल अराजी मुफ्त कराने की नई पॉलिसी जारी। एलडीए शहर के 4 मुजाजात से अराजी लेगा, जेडू हल्लोकी जाबगा निमजाते शामिल। मुजाजात के मालिकान को 2 दिसंबर तक पेशकश से फायदा उठाने की मोहलत। इम्तिहानात में जाली उम्मीदवारों के खिलाफ शिकंजा सख्त, आंदा साल से बायोमेट्रिक हाजिरी मुतारिफ करवाने का फैसला। इम्तिहानी सेंटर में दाखिल होने से कबल बच्चों की बायोमेट्रिक की जाएगी, जाली उम्मीदवार को इम्तिहानी सेंटर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आरजी और मुस्तकिल झुग्गियों के खात्मे के लिए ट्रेंड ऑपरेशन, रावी किनारे अरसे से कायम गैर कानूनी तमीरात के खात्मे का आगाज। डीसी की रावी किनारे ऑपरेशन की निगरानी, ऑपरेशन का जायजा। फिलफोर झुग्गियों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। किनाल रोड मुगलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल, फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो चुके, दाखिली गेट को ताला लग गया। मकीन साफ पानी से महरूम, दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर। शहरी मुतादिद बार फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर चुके। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, रवा साल बिजली चोरों के खिलाफ 31,822 मुकदमा दर्ज, 32,360 मुलजिम गिरफ्तार। इकबाल टाउन डिवीजन में बिजली चोरी के 4,819 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। सदर 5,285, कैंट 9,316, मॉडल टाउन में 5,034 मुलजिम पकड़े गए। हाईवे और पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार चैलेंज, हाईकोर्ट की चालान रोकने का फौरी हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि अदालत फरीकैन को सुने बगैर फौरी तौर पर ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ समाअत, वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम को जवाब के लिए मोहलत मिल गई। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफारिक दरखास्त को पहले से दायर दरखास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत कर दी। कामरान लाशारी की बतौर डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी तायुनाती का मामला, हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वकील की इल्तवा की तहरीरी दरख्वास्त पर समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी, जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत की। जनरेटर खराब देकर तब्दील क्यों नहीं किया, सारिफ अदालत ने पावर इंजीनियरिंग कंपनी गुलबाग के खिलाफ टिकली जारी कर दी। कंपनी को फौरी नया जनरेटर देने का हुक्म, कहा नया जनरेटर ना देने पर 8,12,000 की रकम और 1.5 लाख हर्जाना दिया जाए। वजीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी आमद, साहबजादे जुनेद सफदर के हमरा मामूल का तिबी मुआयना कराया। वजीर आला आज रात लंदन रवाना हो जाएंगी, रवानगी से कबल मामूल का तिबी मुआयना कराया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम हेडक्वार्टर्स टाउनशिप में तकरीबी तकसीम इनामात, बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर के हमरा एसपी इमरान करामत बुखारी ने इनामात तकसीम किए। पंजाब में 14 रुकनी पंजाब बैतुल माल काउंसिल तश्कील, वजीर आला की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी बैतुल माल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
काउंसिल में मर्दान अली जैदी, आमिर मजीद, अलीम मजीद, आवान, शुएब भट और दीगर के नाम शामिल। PIA की तबाही का जिम्मेदार कौन है, पता किया जाए। मेरे हल्फ उठाने से कबल कौमी एयरलाइन का खसारा 830 अरब था। वफाकी वजीर ब्राय निजकारी अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुझे कानून के मुताबिक जिस चीज का पाबंद किया गया है मैं वो करूंगा। अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा वो भी करेंगे। KP सिंध पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों से कहता हूँ कि मिलकर PIA खरीद लें, कीमत बता दी, जो भी कीमत अदा करेगा खरीद सकता है। उम्मीद होकर अपनी हाजतों को अल्लाह से मांगा करो, मांगने वालों से अल्लाह ताला राजी होता है। मौलाना इब्राहिम दौला ऑफ इंडिया के रायवन इज्तिमा में इख्तितामी दुआ। इज्तिमा के शुरका की रवानगी जारी। इज्तिमा का दूसरा मरहला 7 नवंबर को शुरू होगा। दूसरे मरहले में फैसलाबाद DI खान सवाद से मंदूबीन शरीक होंगे। जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम शालीमार बाग में शतरंज मुकाबले, तुलबा तालिबात, नौजवान और प्रोफेशनल की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकाबले में 400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। हर कैटेगरी में अव्वल आने वाले को 1,00,000 नकद इनाम दिया गया। एक्सपो सेंटर में पाक व्हील्स की जानिब से कार मेला सज गया। 300 से जायद नई और पुरानी गाड़ियां डिस्प्ले की गईं। गाड़ियों की खरीदो फरोख के साथ कार इंस्पेक्शन, ऑटो पार्ट्स और बैंक फाइनेंसिंग के स्टॉल लगाए गए। आर्किटेक्ट वर्ल्ड ब्रांड ने सालाना सेल लगा दी। सेल मेले में मुख्तलिफ सैनिटरी आइटम्स पर अप टू 50% डिस्काउंट। आर्किटेक्ट वर्ल्ड टाइल्स किचन और बाथरूम इंटीरियर का बेहतरीन ब्रांड है। आर्किटेक्ट वर्ल्ड की सालाना सेल नवंबर के आखिर तक जारी रहेगी। सालाना सेल में जैनब चीमा, अहमद फारूक और फायजा कुरैशी ने शिरकत की है। वॉल सिटी की जानिब से शालीमार बाग में ड्रम सर्कल फेस्टिवल, शुरका मौसीकी के मुख्तलिफ आलात और ड्रम की धुनों से महफूज होते रहे। फेस्टिवल में आए शुरका को भी ड्रम बजाने का मौका दिया गया। ड्रम सर्कल के इनेकाद पर शुरका ने वॉल सिटी का शुक्रिया अदा किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, कौमी सिलेक्शन कमेटी ने पहले मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। साइम अजूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 3 और कप्तान मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर खेलेंगे। कामरान गुलाम 5वें, नायब कप्तान सलमान अली आगा नंबर 6 पर होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे आज खेला जाएगा। मुगलपुरा रामगढ़ में उस्ताद मानती पहलवान की बरसी पर दंगल। रहनुमा नून लीग चौधरी शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। हीरा पहलवान, मामा पहलवान, गूंगा पहलवान, हुसैन पहलवान ने बड़ी कुश्तियां जीत ली। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजा। नून लीग के मुकामी रहनुमा राणा शफकत ने दंगल की मुआवनत की। और मेलबर्न में पहला वनडे, कैंग्रूज ने शाहीनों को दबोच लिया। पूरी टीम 203 रन्स बनाकर आउट। बाबर ठहरा ना रिजवान, साइम का बल्ला चला ना अब्दुल्ला शफीक ने गुस्सा खाया। कामरान गुलाम भी गुलाम बनकर पवेलियन चलते बने। आखिर नंबर पर खेलने वाले नसीम की धुआंधार बैटिंग 40 रन्स बनाए।